एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं वीडियोस अबाउट हॉल, लाइफस्टाइल, मेकअप एंड स्किन केयर एवरी वेंसडे एंड संडे 6 PM। सो मेक श्योर आप वेंसडे और संडे को ट्यून इन करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस रेड बटन को अभी क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो होने वाला है, मैंने 2 आउटफिट मंगाए हैं फ्लिपकार्ट से। पार्टी वेयर हैं, फेस्टिव वेयर है, थोड़े हैवी हैं, अंडर 1500 और अमेजिंग हैं। अब फेस्टिवल्स का सीज़न आ चुका है, पार्टीज़ का सीज़न आ चुका है। आई नो आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे, लेकिन फैमिली फंक्शंस तो होते ही हैं। मैंने ये मंगाए हैं सूट के सेट फ्रॉम फ्लिपकार्ट अंडर 1500। तो अब फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला सेट है वो है फ्रॉम द ब्रांड वस्त्रा। ये कुर्ता प्लाजो दुपट्टा का सेट है, रेयॉन मटेरियल है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रेयॉन है। ये नेवी ब्लू कलर में है। ये देखिए, ये है कुर्ता। इस पर बहुत सुंदर सा ये झुमका वाला डिज़ाइन बना हुआ है। ये प्रिंट काफ़ी ट्रेंड में है। ब्लाउज़ वगैरह में, ब्लाउज़ के फैब्रिक पे आपको बहुत ज़्यादा ये प्रिंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह का राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स हैं। स्लीव्स के पास भी ये इस तरह का प्रिंट है, बहुत खूबसूरत सा, काफ़ी हेवी प्रिंट है। पूरे कुर्ते पे ऐसा प्रिंट है और फिर नीचे की तरफ भी इस तरह का हेवी बॉर्डर है प्रिंटेड। तो इसका लुक बहुत हेवी आने वाला है। पार्टीज़ में, फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में बहुत अच्छा लगेगा। कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। इसके साथ है प्लाज़ो। प्लाज़ो का मटेरियल इतना सॉफ्ट है। प्लाज़ो और कुर्ती का मटेरियल मुझे थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि ये उतना सॉफ्ट नहीं है जितना प्लाज़ो है। प्लाज़ो का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है। ये इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है, स्ट्रेच होता है अच्छे से। फ्लेयर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसका, ना ही बहुत कम है ना ज़्यादा है। प्लेन प्लाज़ो है और बॉर्डर पे इस तरह का प्रिंट है जैसा कि कुर्ते पे था। दोनों ही तरफ, कुर्ते में भी दोनों साइड प्रिंट आएगा और प्लाज़ो में भी दोनों साइड प्रिंट आएगा। ये 100% रेयॉन फैब्रिक है, सुपर कम्फर्टेबल है और दिखने में बहुत ही प्यारा है। दुपट्टा इसका बहुत सुंदर है। ये देखिए, जो दुपट्टा है ना, ये कॉटन मटेरियल है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें कॉटन का दुपट्टा आएगा। बहुत ही कंफर्टेबल दुपट्टा है और अच्छी खासी विड्थ है। कॉटन के दुपट्टे जब भी आते हैं ना तो उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है, ये मुझे अच्छा लगता है। पूरे दुपट्टे पे इस तरह का गोटा लगा हुआ है और ये फॉइल प्रिंट है। ये प्रिंट जाने वाला नहीं है, अच्छा प्रिंट है। पूरे ही दुपट्टे पे चारों साइड इस तरह का बॉर्डर है। इस दुपट्टे की वजह से ना पूरे सूट का लुक चेंज हो जाएगा। एक तो ये गोटा लगा के काफ़ी हेवी सा लुक आ रहा है इसका, और ये सुपर कंफर्टेबल है। आप इसको सारा दिन पहनिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंस ब्लू कलर है, कॉटन रेयॉन है, तो सबको पता होगा कि ब्लू कलर थोड़ा सा ब्लीड करता है। तो जब भी आप इसको वॉश करिए, सबसे पहले आप इसको नमक वाले पानी में डुबो दीजिए और उसके बाद फिर आप इसको वॉश करिए तो कलर ब्लीड नहीं होगा। जो भी होना रहेगा थोड़ा बहुत फर्स्ट वॉश में होगा, उसके बाद नहीं होगा। लुक वाइज, कम्फर्ट वाइज बहुत ही खूबसूरत है ये। और मुझे मिला है 999 में और प्लस 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज भी देने पड़े थे, तो 1070 के अराउंड, मुझे 1070-78 के अराउंड पड़ा था ये। और इसमें मैंने मंगाया है स्मॉल साइज़। जो नेक्स्ट है वो एक बहुत ही अच्छे से पैकेट में पैक होके आया है। आप इसके डिज़ाइन इस फ़ोटो में देख सकते हैं, लेकिन कलर का डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ना थोड़ा सा पिंकिश कलर है, थोड़ा सा कलर देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग है, इसमें लाइट है। और ये जो आया है ना, ये ब्राउन ब्राउन लग रहा है मुझे। मैं खोल के दिखाती हूँ। ये सेमी स्टिच्ड है, आपको अपने साइज़ के हिसाब से स्टिच कराना होगा। ये है जॉर्जेट मटेरियल में, बहुत हेवी सूट है। आप इसको शादी में भी पहन सकते हैं। वाव वाव, ये देखिए, ये नेक के पास पूरा एम्ब्रॉयडरी है। ये नेक बना हुआ है, बहुत डीप नेक तो नहीं बनने वाला इसमें जैसा देख के लग रहा है। और इस तरह के पूरे ही मटेरियल में ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, हेवी नीचे तक, और फिर बॉर्डर के पास इस तरह का गोटा वाला चौड़ा सा लेस दिया जिसमें पूरा जरी का काम है। ये देखिए, ये पूरा बॉर्डर में वर्क है, पूरे कुर्ते में एम्ब्रॉयडरी है, अच्छी जरी की एम्ब्रॉयडरी है। इफ़ यू कैन सी, पूरे ही कुर्ते में बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। कलर बस थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लग रहा है। अगर आप पिक्चर में देखें तो ये थोड़ा लाइट पर्पल काइंड ऑफ कलर है और ये जो है ये ब्राउन है, तो कलर तो मैच नहीं हो रहा बिल्कुल भी, लेकिन ये भी कलर बहुत सुंदर है। ब्राउन शेड भी बहुत अच्छा लग रहा है इसका। इन्होंने स्लीव्स के लिए ये देखिए, ये जो मटेरियल है ये स्लीव्स के लिए है, 3/4 स्लीव्स बनेंगी तो इस तरह का, और ये स्लीव्स का बॉर्डर दिया हुआ है और फिर यहाँ पे ये गोटा भी लगा हुआ है। और जो पीछे का पोर्शन है वो प्लेन है और नीचे इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है पीछे की तरफ। ओवरऑल क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है, जॉर्जेट इसका बहुत अच्छी क्वालिटी का है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ना, इसके साथ ये लाइनिंग दी गई है जो कि आप कुर्ते में लगवाएंगे, क्योंकि जॉर्जेट है तो सी थ्रू है तो इसलिए ये लाइनिंग भी साथ में दी गई है। लाइनिंग भी चीप मटेरियल नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लाइनिंग का कपड़ा दिया गया है। और साथ में है इसका शरारा का फैब्रिक। जस्ट लुक एट द कलर, वाओ इतना खूबसूरत कलर है। लेकिन शरारा सेमी स्टिच्ड बिल्कुल नहीं है, आप इसको शरारा प्लाजो सलवार जो सिलवाना सिलवाइए, क्योंकि ये सेमी स्टिच्ड तो नहीं है। ये भी जॉर्जेट मटेरियल है, प्लेन इस तरह का और फिर नीचे की तरफ ये शरारे के लिए अच्छा सा घेर दिया हुआ है इन्होंने, और नीचे पूरा ये एम्ब्रॉयडरी है और नीचे का बॉर्डर ऐसा है। बहुत ही फ़ाइन वर्क है, अगर आप देखें यहाँ पे ये कटआउट डिटेल है, बहुत फ़ाइन वर्क है शरारा के लिए। ये पूरा मतलब नीचे का जो इतना पोर्शन आपका आएगा वहाँ पे वो पूरी एम्ब्रॉयडरी है, और ऊपर क्योंकि कुर्ता भी थोड़ा लॉन्ग है तो वो कवर हो जाएगा। ये वाला जॉर्जेट कुर्ते वाले मटेरियल से ज़्यादा अच्छा है इसका मटेरियल, और पूरे में इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, क्योंकि आपका बहुत ही घेर वाला आगे पीछे दोनों ही साइड बनेगा, तो ये जो वर्क है वो आगे पीछे दोनों ही साइड आएगा, क्योंकि पूरे फैब्रिक में नीचे की तरफ पूरी एम्ब्रॉयडरी दी गई है। अब बारी है दुपट्टे की। नाज़नीन मटेरियल है जो कि जनरली सूट पीसेस में होता है, और ये भी बहुत सुंदर है। इस तरह का बॉर्डर है, गोटा लगा हुआ, ये देखिए, ये गोटा लगा हुआ बॉर्डर है, और प्लेन नाज़नीन का दुपट्टा है, बॉर्डर लगा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। सुपर सुपर सॉफ्ट है ये दुपट्टा। दुपट्टे की लेंथ मुझे कुछ खास नहीं लग रही है, आई थिंक 2.25 मीटर, आई थिंक 2 मीटर के अराउंड दुपट्टा है। अगर आप ऐसे एक साइड लेते हैं तो ठीक है, अगर आपको दोनों साइड करके दुपट्टा लेना पसंद है तो इसकी लेंथ छोटी है, लेकिन आजकल दोनों साइड कोई भी दुपट्टा नहीं लेता, अब तो एक साइड का ही ट्रेंड है, तो उस हिसाब से ये दुपट्टा चल जाएगा। और शरारा के लिए भी लाइनिंग दी गई है, अच्छा मटेरियल है ये भी। सो बेसिकली इस सेट में आपको मिलता है ऊपर की कुर्ती का मटेरियल, उसके अंदर की लाइनिंग, नीचे शरारा का मटेरियल। आप शरारा प्लाजो जो चाहें आप इसमें स्टिच करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी बना हुआ नहीं है, उसका मटेरियल और उसकी भी लाइनिंग और एक दुपट्टा। फुल एम्ब्रॉयडर्ड सेट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मुझे मिला है 1399 में। 1399 के हिसाब से अमेजिंग क्वालिटी है। ऑब्वियसली आपको थोड़े स्टिचिंग चार्जेस भी देने होंगे, लेकिन पार्टीज़ के लिए, दिवाली के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। कलर तो इसका अमेजिंग है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होके आई है, तो मुझे वो अच्छा लगा। मुझे तो इसके बॉटम का फैब्रिक इतना पसंद आ रहा है ना, डिज़ाइन और कलर बहुत ही अच्छा है। सो आई होप आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे। प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ही अमेजिंग हैं। एक है 1079 में, 78 में डिलीवरी चार्ज लेके, और दूसरा है 1399 में। मुझे दोनों बहुत पसंद आए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं दोनों में से एक चूज़ करना हो मुझे, तो प्राइस वाइज मुझे लगता है 1399 वाला जो जॉर्जेट मटेरियल है वो उस प्राइस में परफेक्ट है, बिकॉज काफ़ी हैवी लुक है उसका, एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के हैं, अवेलेबल हैं, और प्राइसेस भी सेम है, प्राइस चेंज नहीं हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।